38 आदमी के पास जमीन नहीं है, लेकिन बिहार में भूमि सुधार लागू नहीं होने की वजह से 100 में 7 आदमी भूमिहीन है। इसलिए जन सुराज का एजेंडा है कि अगर किसानों का जीवन सुधारना है तो सबसे पहले भूमि सुधार लागू करना है, और दूसरी बात मजदूरी खेती को, बिहार का जो खेती है वो खाने वाला खेती है, इसको कमाने वाला खेती अगर बनाना है तो लोगों को मदद देनी पड़ेगी। गांव देहात में हम लोग क्या कहते हैं, लोग कहता है कि भैया कटिया करने आए हैं, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे, रोपनी करने आए हैं, कमाने के लिए गुजरात जाएंगे। आदमी खेती करने आया है कहता है कि हम खाने के व्यवस्था करने आए हैं, कमाने के लिए बाहर जाएंगे। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए जन सुराज का मंत्र है कि खाने वाली खेती नहीं, कमाने वाला खेती होना चाहिए। और जितने लोग खाने वाला खेती धान गेहूं को छोड़कर बढ़िया सब्जी मसाला का खेती में जाएंगे, उसके लिए मजदूरी मुफ्त कर दिया जाएगा। अब आदमी कहेगा ए भैया पैसा कैसे आएगा, तो जैसे पढ़ाई का आपको पैसा का रास्ता बताए, युवाओं को रोजगार का पैसा का रास्ता बताए, बुजुर्गों के पेंशन का पैसा का रास्ता बताया, तो वैसे ही आपको बता रहे हैं कि किसानों के लिए मजदूर मुफ्त कैसे मिलेगा। बिहार सरकार को हर साल अगर हम चाहें तो 10,000 करोड़ रुपया हम लोग को मनरेगा के तहत मिल सकता है। तो अगर मनरेगा के मजदूर को खेती से जोड़ दिया जाए, किसानों को खेती करने के लिए मनरेगा का मजदूर दे दिया जाए, तो बिना 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा के हर वो किसान जो अपना खेती बेहतर करना चाहता है उसको मजदूर मुफ्त में मिलेगा और उसके लिए 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। नुकसान किसका होगा, जो मनरेगा में 40% पैसा लोग कमा रहे हैं उनका बड़ा भारी नुकसान होने वाला, क्योंकि मनरेगा का मजदूर अगर सीधे किसान को मिल जाए तो किसान अपने मजदूर से काम भी कराएगा और उसकी आमदनी भी बढ़ेगी। अब एक अंतिम महिला बच गई, महिलाओं का अगर जीवन सुधारना है, सब महिला हमको गांव गांव में कही है भैया हमको रोजी रोजगार करने के लिए कुछ साधन दीजिए, तो हम लोगों ने तय किया कि बैंकों को ये कहा जाएगा कि जो भी महिला लोन लेना चाहती है रोजी रोजगार के लिए उसको 4% सालाना पर, 4% अभी जो जीविका वाला चल रहा है इसमें 2-2.5% महीना का लगता, सालाना 30% ब्याज, और हम लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 4% सालाना पर हर वो महिला जो कोई ना कोई रोजी रोजगार करना चाहती है उसको सरकारी गारंटी पर लोन दिया जाएगा और बाकी का 6% सरकार देगी, होना चाहिए ना भाई। तो एक बार जरा हाथ उठाकर बताइए, ये पांचों एजेंडा पास कर रहे हैं आप, ये पांचों एजेंडा पास कर रहे हैं ना, इसको आगे बढ़ाया जाए ना।